नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। प्रस्तुत है गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। पूरे विश्व में कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का आदेश दिया गया है, जिसका पालन यहाँ पर नर्मदा हो रहा है। आज नर्मदा जिले के केवड़ा कॉलोनी में आए हैं हम। इस समय यहाँ पर आपको वीडियो में दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर लॉकडाउन के कारण लोगों की परिस्थिति ऐसी हुई है कि वो लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो नर्मदा जिले के केवड़ा पुलिस जो है वो ऐसे गरीब लोगों को अनाज वितरण देने के लिए निकली हुई है और उसकी सफाई कर रही है। आइए हमारे साथ इसके साथ यहाँ पर व्यापारी एसोसिएशन के कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं। हम ऐसे ही व्यापारी एसोसिएशन से एक भाई से बात करना चाहेंगे और उसके बाद जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर व्यापारी एसोसिएशन के एक भाई जुड़ चुके हैं। जी सर, यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर महामारी जो चल रही है और प्रधानमंत्री यहाँ पर लॉकडाउन का आदेश दिए गए हैं और आप यहाँ पर अनाज वितरण की एक अच्छी कामगिरी कर रहे हो सर, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसको सबको छोटो की ट्यूर देना चाहिए, उसको सबको गरीब को घर से बाहर निकले, इसलिए हमको सबको फिर दे रहे हैं। तो यहाँ पर और भी यहाँ पर हमारे साथ लोगों का परिवार जुड़ चुका है, जाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर उनसे भी जाने का प्रयास करेंगे कि आंटी यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर यहाँ पर महामारी चल रही है और लॉकडाउन का आदेश दिया गया है प्रधानमंत्री, और आज यहाँ पर केवड़िया पुलिस जो है वो अनाज वितरण की एक अच्छी कामगिरी कर रही है, गरीबों की मदद कर रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो भेट इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे भी लॉकडाउन की परिस्थिति जो चल रही है और देश के प्रधानमंत्री आदेश दिया गया है, जिसके कारण यहाँ पर नर्मदा जिले की केवड़िया पुलिस जो है और उसके साथ व्यापारी एसोसिएशन जो है वो यहाँ पर अनाज वितरण कर रहे हैं। हालांकि उन लोगों में भी काफ़ी खुशी की लहर छाई है। तो वैसे तो देखा जाए कि कोरोना वायरस की महामारी जो है जिन्होंने पूरे देश में डर फैला रखा है और दिन प्रतिदिन यहाँ पर कितने लोग कोरोना वायरस को लेकर उसकी महामारी के शिकार भी हो चुके हैं, कई जगहों पर मृत्युआंक भी बढ़ चुके हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी में यहाँ पर केवड़िया पुलिस थाना द्वारा PI PT चौधरी सर के उपस्थिति में और व्यापारी एसोसिएशन की उपस्थिति में यहाँ पर एक सराहनीय कामगिरी हो रही है हुआ है। आज हम यहाँ पर नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी में आए हुए हैं। आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर जो केवड़िया पुलिस है और व्यापारी एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर केवड़िया कॉलोनी में रह रहे गरीब लोगों को अनाज का वितरण किया जा रहा है। हालांकि एक अच्छी कामगिरी यहाँ पर नर्मदा जिले के केवड़िया पुलिस द्वारा की जा रही है। और यहाँ पर देखा जाए तो अभी कोरोना वायरस को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का आदेश दिया गया है, जिसका पालन भी यहाँ पर नर्मदा जिले में लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो हमारे साथ नर्मदा जिले की केवड़िया कॉलोनी पुलिस के साथ व्यापारी एसोसिएशन का पूरा स्टाफ भी जुड़ा हुआ है और वो लोग यहाँ पर केवड़िया कॉलोनी के अलग अलग विस्तार में घूम रहे हैं। हालांकि गरीब लोगों को वो अनाज वितरण और जीवन जरूरत की जो चीज़ें थे वो उसको पहुँचा रहे हैं और काफ़ी अच्छी प्रशंसनीय और सराहनीय कामगिरी यहाँ पर नर्मदा पुलिस की देखने को मिली है। इंडिया खबर लाइव से मैं गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा।